मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पीएसआई हर्षद काले ने अपनी टीम के साथ 17 दिसंबर और 12 दिसंबर को अलग अलग दो जगह कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 22 लाख रुपए की मेफेड्रिन यानी कि एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। हम आपको कार्रवाई की ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये कार्रवाई की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पीएसआई हर्षद काले, धनंजय घोटगे, उमेश राजपूत, भूषण खैरनार, रविदास जाधव, योगेश कोली और पाटिल, ये पूरी इनकी टीम ने ये कार्रवाई की थी जिसमें नशे के सौदागर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुंब्रा कौसा में नशे पर लगाम लगाने के लिए मुंब्रा पुलिस ने अब तक कई बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में 12 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई थी उन लोगों से 58 ग्राम एमडी और 17 दिसंबर को जो कार्रवाई की गई पूछताछ में और इनकी तलाशी के दौरान 160 ग्राम एमडी बरामद किया गया है जिसकी टोटल कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक है, इसका नाम है इजोबियालो ओगोचिको सुंडे, ये नवी मुंबई में रहता था, और जबकि दूसरा जो आरोपी है वो एक महिला है जिसका नाम है शमा हसन सैयद, ये मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा में रहती है, और इसी तरह से अरशद पठान जिसका नाम अरशद इकरार खान भी है, और हिदायत मोहम्मद अंसारी, फिरोज शौकत खान, सैयद नसीम अली, ये सभी लोग मुंब्रा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ एक बात और बताना आपको ज़रूरी हो गया है कि कुछ महीने पहले ही अरशद पठान की एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें वो नशा बेचते हुए दिखाई दे रहा था। अरशद पठान को भी इस गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अरशद पठान जो है ये गिरफ्तार किया गया जो नाइजीरियन नागरिक है इजोबियालो इसके संपर्क में था, और जो महिला गिरफ्तार की गई है शमा, ये सभी एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी इनकी टोली पूरी गैंग थी जो नशे का कारोबार करते थे। नाइजीरियन सहित अरशद पठान और एक महिला सहित 3 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन सभी लोगों पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है, और आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी वेंकट आंधले ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। आपके यहाँ के पीआई सीनियर पीआई चौरे साहब और क्राइम के पीआई दोनों मिलके सिवाले साहब दोनों मिलके मुहिम चला रहे हैं, और उनको हेल्प के लिए हमारे एपीआई बोर्से है और पीएसआई काले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला एक पत्रकार परिषद हो गई थी उसके भी 50 लाख का ड्रग्स पकड़ा था। अभी गए हफ्ते में 2 रेड हुई है, उसमें एक में 12 को हुई है और दूसरी है वो 18 को हुई है। दोनों में दोनों मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है, और उसमें अभी तक 6 आरोपी को पकड़ा है, और आरोपी बढ़ने की शक्यता है। जैसे आरोपी के बारे में मालूम मिलेगी तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें भी एक नाइजीरियन है, उसका नाम इजो बोलिया सुंडे, इसके पहले जो था सुंडे बोल के उसका जैसा सेम ही नाम आ रहा है उसको भी अरेस्ट किया है, पीसीआर में है। और आरोपियों के नाम बाकी 3 आरोपी है इसके साथ में सुंडे के साथ में, उनके नाम है देखो जो 12 तारीख का है, नहीं 12 इसमें है, हाँ जी, इजो बोलो उगे चिकू सुंडे 33 साल का है, शमा अमन सैयद ये एक लेडी है, और तीसरा है अरशद करार खान 25 साल का है, वो भी यहाँ का थाने का मुंब्रा का रहने वाला है। तीनों को 18 तारीख को अरेस्ट किया है। सर कार्रवाई किस तरह से की गई थी? सर जैसा मालूम मिला था कि कोई ड्रग्स लेके यहाँ पर आ रहा है, तो जैसे आ गया तो उसको पकड़ लिया, जो लेने वाले था उसको लेडी है उसको भी अरेस्ट किया है, जो देने वाला था नाइजीरियन उसको भी अरेस्ट किया है, और अभी तक मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है। सर ये ड्रग्स पेडलिंग और ड्रग्स सप्लाई नाइजीरियन से लेकर के मुंब्रा के लोकल, तो इसमें शमा अमन सैयद जो महिला पकड़ी गई है इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सर वो तो ड्रग्स लेके उससे बेचती है। नहीं पहले के कोई उसके खिलाफ कोई एनडीपीएस के अपराध दर्ज है या नहीं? अभी तक तो नहीं है, लेकिन मालूम ले जाएगी कोई ड्रग्स के केसेस उसके ऊपर है क्या, तो अभी तक तो कुछ उसके ऊपर हमारे पास नहीं है। कहाँ की रहने वाली सर ये मुंब्रा में? ये मुंब्रा में रहती है शमा सिल्वर आर्य तीसरा माला TMC हॉस्पिटल पाटीमागे कोलीवाड़ा मुंब्रा थाने कोलीवाड़ा में।